काफी शानदार, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था शायद टीम एक्स पार्क को इस तरह की फाइट इन्वॉल्वमेंट में होने का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ड्राइव क्लोरी सर्कल में रखी, अपने आप को सर्कल के एक अच्छे सिम बना करके एक प्लेयर उनके यहाँ पे फ्लैंक किया और अपने आप को सर्कल के बाहर जाके टीम एक्सपर्ट को यहाँ पे मुश्किल में डाला गया। बिल्कुल उम्मीद नहीं किए होंगे लेकिन उम्मीदों से बाहर यहाँ पे जरूर से देखने को मिला और मुश्किल में जरूर से यहाँ पे डाला जा रहा है। लेकिन टीम सोल की बात करें, चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे गेम्स। देखते हैं अभी तो आपके पास में तो रोटेशन लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर वेट करेंगे सामने टीम के आने का। और ये देखिए इस चीज का फायदा रहेगा, टॉस भी उठाते हुए वहां पर जरूर बगी के ऊपर फायर किया गया है। लेकिन जायरगॉड एंड विस्गॉड, विस्गॉड की बात करें तो ये तो गाइस अगर अभी अगर मैं बात करूं और टॉप रैंकिंग लिस्ट में ऑन टॉप ही नजर आ रहे हैं। हैशटैग टू में अभी क्लेम की यहाँ पर रैंकिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में एफटीएक्स निंजा जाने जाते हैं यहाँ पर अपने थ्रोएबल्स के थ्रू फिनिश करने के लिए, और वही चीज अभी के लिए होती हुई नजर आ रही टीम गॉड लाइक, क्योंकि दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अगर आप देखेंगे टीम सोल की तरफ से उनके ऊपर थ्रोएबल्स आ रहे हैं और साथ साथ टीएसएम की तरफ से भी। सबसे बड़ी बात है कि हाइट एडवांटेज है उनके पास, वो जो ग्रेनेड थ्रू करेंगे उसको डिस्टेंस टाइमिंग बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं और उसमें कनेक्शन वो बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है उनके पास सॉलिड कवर दो तरफ से यहाँ पे फंसे हुए। इधर बात करें तो टीम सोल के मेंबर्स भी मुश्किल में डालने की कोशिश में लगे हुए, एग्जैक्टली कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कनेक्शन काफी उमदा है लेकिन फिनिश कर पाएंगे या फिर वो वक्त बताएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम नजर डालें सर्कल के सेंटर पे टीम गॉड लाइक अपने आप को रखे हुए, मुश्किल उनके साथ है लेकिन सर्कल भी उनके साथ जरूर से है। तब नहीं बात की जाती है, अभी मार्कस गेम के मेंबर्स भी ट्राई कर रहे हैं कि जस्ट होल्ड किया जाए सर्कल। 8वीं पोजीशन पे एलिमिनेट हो गए केवल 2 फिनिश के साथ, तो कुछ खास उतना बेहतर नहीं हुआ। साथ ही साथ टीम एक्सो भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि पंक आखिरी सर्वाइवल थे एंड पंक यहाँ पे मैच से फिलहाल बाहर कर दिए गए। नोवार्टी की बात करें, हेल्थ रिकवर करने की कोशिश में हेल्थ बैटल किया जा रहा है, केवल 2 हेल्थ किट है इनके पास और साथ ही साथ मार्कस के रौनक भी प्लेज उनके बाहर यहाँ पे मुश्किल में पड़े। मेरे टॉस की तरफ से ये ग्रेनेड पेनाल्टी, इस ग्रेनेड को कनेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ेगा एंड बाहर जा चुके हैं। क्या मुश्किल में आएंगे? नहीं मुश्किल में चलिए नहीं आए। ग्रेनेड वापस No. से थ्रो, एक पिक्सल यहाँ पे ढूंढे जा रहा है शायद वो इसके साथ मिलने के चांसेस, कनेक्शन मिलना चाहिए तो रेगल टॉस को लेकिन चूक गए। चलिए कोई बात नहीं लेकिन स्टिल रौनक अभी यहाँ पे व्हीकल के साथ जाने का फैसला, कनेक्शन से लिया मिल रहा है। रेगल टॉस के स्प्रे से आप इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे लेकिन पॉइंट रहा कि वो प्ले जोन से बाहर हुए। कनेक्शन जरूर से यहाँ पे रेगल टॉस में ढूंढा लेकिन जो फाइनल एक्शन रहा वो प्ले जोन की तरफ से हम लोग को देखने को मिला है। और ये अभी तक सिनेरियो में देखने को मिल रहा है गॉड लाइक वहां पर सैंडविच सिचुएशन में फंसी हुई है। टीएसएम के खिलाड़ी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं एक्वानॉक्स के ऊपर एक भारी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि शैडो ओजी की अभी के लिए हमें कोई पोजीशन का नहीं पता। लेकिन जी गॉड आगे जाते हैं, उनके पास देखिए कोई चारा नहीं था, तो अच्छी एक कोशिश वहां पर टीम गॉड लाइक के द्वारा। लेकिन उनको पता था कि अगर वो उसी शेक के अंदर रहेंगे तो दिक्कत में आ पा सकते हैं। उसका फायदा यहाँ पर टीम सोन के खिलाड़ी उठाते हुए, क्योंकि उनको पता है टीएसएम के खिलाड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉकआउट हुए हैं। ग्रेनेड्स की बरसात यहाँ पर की जाएगी, मोलोटॉव की यहाँ पर बरसात की जाएगी, क्या यहाँ पर 2v4 किया जा सकता है। टीएसएम ऑन फायर है, 14 फिनिशेस यहाँ पर निकाल चुकी है रावन, तो शुरुआत इनकी काफी शानदार। टीम सोल की बात फिनिश इतने ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छी बात यह कि हैशटैग टू तक तो अपने को अपने आप को लेके आ सकती है, और अभी क्या पता टॉप भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए वो यहाँ पर टीम सोल। बिल्कुल यहाँ पे मैं एडवांटेज की बात करें तो टीम सोल के पास हम लोग को देखने को मिले, चारों प्लेयर्स यहाँ पे सर्वाइव अभी हैं और सबसे बड़ी बात है वो पहली ओपनिंग मिल चुकी है टीम सोल को। इसके साथ क्या यहाँ पे एग्रेस करेंगे? देखिए टीम यहाँ पे जल्द चल रिपब्लिक की तरफ जाएंगे, इतने सारे से अपने प्लेयर्स को यहाँ पे गंवाने नहीं चाहेंगे वो। सबसे बड़ी बात रहेगी टीएसएम के साथ हाइट एडवांटेज है लेकिन हाइट एडवांटेज के साथ मुश्किल कई बार आपके साथ रहती है। शैडो की जगह पे बात करें तो नॉकआउट कर दिया गया, साथ ही साथ रोटेट को भी यहाँ पे पेन आउट किया। 4v4 का बैटल थोड़ा सा उछल उलझता हुआ जा रहा है टीएसएम के लिए। इसी बीच ब्लेज ने थोड़ी सी पारी को संभालने की कोशिश, देखते देखते दो प्लेयर को नॉकआउट किया लेकिन बैल के साथ जाते एक प्लेयर को नॉक करने के साथ फिनिश की तरफ जाने की कोशिश। टीम सोल यहाँ पे मुश्किल में आ चुके हैं, टीएसएम भी मुश्किल में, लेकिन वो आखिरी एक्शन वो आखिरी स्प्रे किसके नाम से, क्योंकि टीएसएम के पास अभी भी 2 प्लेयर्स हैं और जम करके फाइनली टी